आज हमें ये पढ़ना है कि सीटेट में हिंदी, तो सीटेट में जो हिंदी आता है ये लैंग्वेज के रूप में हम इसे लेते हैं। ये दो लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। तो ज़्यादातर अगर आप इसको लैंग्वेज फर्स्ट में रखते हैं, जैसे दो लैंग्वेज होता है, आपने सिलेबस देखा भी होगा, आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो आपको हिंदी एक लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट चूज किया है तो बुकलेट नंबर फर्स्ट 91 से लेकर, मतलब क्वेश्चन 91 से लेकर 120 आप सॉल्व करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट, 91 से लेकर 120 इसके रूप में हिंदी के रूप में। अगर लैंग्वेज सेकेंड लिया है तो 121 से लेकर 150। अगर आपने 91 से 120 हिंदी फर्स्ट लिया है तो हिंदी फर्स्ट में क्या होता है, हिंदी में दो पार्ट हो जाते हैं। सीटेट के अगर हिंदी में देखा जाए तो दो पार्ट से प्रश्न आते हैं। पहला पार्ट हो जाता है गद्यांश और पद्यांश, बस गद्यांश और पद्यांश इन दोनों से मिलाकर कुल 15 नंबर के प्रश्न आते हैं, गद्यांश और पद्यांश। दूसरा होता है हिंदी का शिक्षा शास्त्र, हिंदी का शिक्षा शास्त्र। ये दो ऐसे पार्ट हैं जहां से दोनों से मिलाकर कुल 30 नंबर के, 15 यहां से 15 यहां से, और इसमें व्याकरण नहीं पूछा जाता। तब भी कहेंगे सर व्याकरण तो सभी जगह पढ़ाया जाता है, बिना व्याकरण के तो प्रश्न हो नहीं सकता। हाँ, आपकी बात सही है, व्याकरण तो कुछ हद तक रहेगा, लेकिन व्याकरण कितना रहेगा वो हम आपको बताएंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा अध्याय है जहां से आप 30 में 25 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 25 में 25 लाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश और पद्यांश को पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है गद्यांश और पद्यांश हिंदी का शिक्षा साफ करना। तो हम क्रम वाइज क्रम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसी खत्म कर लेते हैं गद्यांश और पद्यांश क्या है, ताकि बाद में हमें केवल शिक्षा साफ पढ़ना रहे और उसके बाद इसको सॉल्व करना रहे। तो हिंदी में पेपर में सबसे ज्यादा स्कोर करने का एकमात्र तरीका है इसके अधिक से अधिक क्या करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से ही आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग गद्यांश, गद्यांश को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश। गद्यांश से 9 नंबर के प्रश्न आते हैं, गद्यांश से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, 9 नंबर के, गद्यांश से भी 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। गद्यांश से आपके 9 नंबर के, 9 अंक के प्रश्न आएंगे, 9 अंक के प्रश्न आएंगे। अब गद्यांश में क्या होता है, आपने कभी दिया होगा तो आप लोग जानते होंगे, जो भी गद्यांश दिया जाता है वो अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश का तात्पर्य होता है वह गद्यांश या तो कभी किसी भी कहानी, किसी पुस्तक, किसी भी निबंध, किसी भी यात्रा वृत्तांत से सशब्द उठा लिया गया हो, किसी की जीवनी, या उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद भी वह अध्यापक के एग्जामिनर का यह अधिकार होता है, वह उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद भी आपको दे सकता है, या अपने द्वारा स्वयं रचित कुछ खंड या कुछ खंड का हिस्सा भी आपको अपठित गद्यांश के रूप में वो दे सकता है। तो जो अपठित गद्यांश होता है उसको केवल सॉल्व करने का रूल क्या होता है, अगर एक बार समझ लेते हैं कि 9 के 9 नंबर आपके पूरे फिक्स हैं, माने अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 9 के 9 अंक आप आसानी से सही कर जाएंगे। 9 के 9 सही करने का तरीका क्या है, देखिए जो गद्यांश होता है वह काफी बड़े गद्यांश होते हैं, उस गद्यांश को पढ़ने के बाद पूरा गद्यांश आप खत्म कर लेंगे, खत्म करने के बाद आपको 9 प्रश्न देंगे क्रम से। तो 9 प्रश्न देने के बाद जिसमें सबसे पहला प्रश्न होता है, तो पहला प्रश्न जो पूछा जाता है या उसमें से कोई एक प्रश्न ऐसा होता है जो पूछा जाता है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, क्या पूछा जाता है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, क्या पूछता है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, उचित शीर्षक क्या होगा। तो उस गद्यांश का जब उचित शीर्षक की बात करेगा, जब शीर्षक पूछा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस गद्यांश को एक बार भली भांति पढ़ते हैं, भली भांति पढ़ने के बाद यह देखते हैं यह गद्यांश किस ओर संकेतित कर रहा है, माने किस तरफ में संकेत कर रहा है, किस तरफ ये संकेत कर रहा है, या इसका जो मूल भाव है वह क्या है। फिर मूल भाव देने के बाद हम आते हैं विकल्प, आते हैं विकल्प, जब विकल्प आते हैं तो एक बात हमेशा स्पष्ट जान लीजिएगा, जानते रहिएगा कि गद्यांश का या पद्यांश का जो शीर्षक होता है वह सदैव छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। आपने चार विकल्प देखा, चार विकल्प में दो विकल्प तो कट जाते हैं, दो में लगता है ये भी सही है और
यह भी शीर्षक हो सकता है, यह भी शीर्षक होता है। इस दशा में आप जो सबसे छोटा शीर्षक होता है उसी का चयन करेंगे, माने जो सबसे छोटा शीर्षक होता है उसी का हम चयन करेंगे। यह प्रोजेक्टर से आपको पूरा पढ़ा के पूरा समझा देंगे कि कैसे साल किया जाता है, कि किसको हम 30 सेट आपको इसकी 30 सेट प्रैक्टिस कराएंगे, 30 से 25 सेट प्रैक्टिस करा के आपको हाथ में दे देंगे, आप लोग घर से सॉल्व करके लाइएगा ताकि यहाँ से 9 नंबर आपके फिक्स हो जाए। फिर दूसरा प्रश्न आता है, एक तो हो गया उचित शीर्षक। शीर्षक में क्या करना होता है, हमें उस गद्यांश को पढ़कर उसके जो जिस पर वो केंद्रित करता है, जिस पर वो संकेत करता है, या जिस पे पूरी गद्यांश होती है, या जो गद्यांश का मूल भाव होता है, उससे ही हम शीर्षक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और शीर्षक जो होता है हमेशा छोटा होता है और पूरे गद्यांश का मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ होता है। तो हो गया शीर्षक। तो दूसरा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से रेखांचित शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। रेखांचित शब्द क्या होता है, जब हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं तो देखते हैं कहीं कहीं कुछ शब्दों में क्या कहता है, डार्क नीचे कर देता है, शब्द को डार्क कर देगा तो उसके नीचे एक रेखा लगाता है, कहता रेखांकित शब्दों को क्या करिए लिखित कौन सा व्याख्या करता है। तो जब रेखांकित शब्द पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ी सी व्याकरण आ जाती है, व्याकरण क्या जाती है, अब वहीं पर देखते हैं वहां पर रेखांकित शब्द का पूछ सकता है समास क्या होगा, उस रेखांकित शब्द का या उस रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, या उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, या उसकी जगह क्या और प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। उसी में से जैसे वो शास्त्र पे लिखा गया है या किसी अन्य की तरफ प्रेरित किया गया है, उसमें से ये चार विकल्प देगा, चार विकल्प देगा कि में कौन सही नहीं है। तो चारों को पढ़ने बाद हम ये देखते हैं कि किसका सेंटेंस आपको दिए गए गद्यांश मिलता है, किसका सेंटेंस हम गद्यांश में नहीं मिलता। तो जो सेंटेंस हम गद्यांश मिलता है वही सही होता है। इस प्रकार के आगे प्रश्न दिए गए होते हैं, उसमें क्या होता है निम्नलिखित में से आगे देगा कि निम्नलिखित में से इस शब्द की पर्यायवाची क्या होगी, इस शब्द की पर्यायवाची क्या होगी। तो गद्यांश में मिला जुला के जब आप गद्यांश लेकर बैठते हैं तो वहां पे बैठने के बाद हमें कुछ चीजों को जानकारी चाहिए। पहला एक प्रश्न वहां से समास में आ जाता है, व्याकरण दृष्टिकोण से देखेंगे तो समास आ जाता है। ठीक, अब कभी कभी इसमें कभी कभी तत्सम और तद्भव पूछ लेता है, तत्सम और तद्भव, तत्सम तद्भव यथा कथा पूछता, हमेशा नहीं तत्सम तद्भव पूछ लेता है। फिर तीसरा पॉइंट पूछता है पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या होता है, जिसे समानार्थी शब्द कहते हैं, कि पर्यायवाची में जैसे दिया गया रेखांकित शब्द का में कौन सी पर्यायवाची होगी, रेखांकित शब्द का समानार्थी क्या होगा, इसे हम समानार्थी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे समानार्थी शब्द भी पूछ लेता है। ये देखिए ये केवल पैसेज की, बाकी पैसेज आप इतनी आसानी से कर लेंगे कि आपके 9 के 9 मिल जाएंगे, हम आपको प्रैक्टिस सबको करवा देंगे पूरा। फिर आगे कभी कभी पूछता है संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष, विशेषण और विशेष, संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष क्रिया विशेषण, ठीक ये पूछ लेता है। फिर विराम चिन्ह, ये विराम, ये जो मैं बता रहा हूं ये गद्यांश को टफ करता है टफ, ये फिर भी हमें ये आधार मान चल रहा है, ये चीजें पूछ सकते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह के लगभग कुल 15 प्रकार की, कितने प्रकार की, 15 प्रकार के, लेकिन हम आप विराम चिन्ह का मतलब क्या जानते हैं, पूर्ण विराम, यही पूर्ण विराम ही विराम चिन्ह है। ठीक, ये याद रखिएगा, सेकंड सेमेस्टर का प्रश्न भी था, विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं। तो विराम चिन्ह कुल 15 प्रकार के होते हैं, 15 हम लोग अलग अलग व्याख्या करेंगे और उस गद्यांश का क्या संबंध है। फिर कभी कभी गद्यांश में इसी पर्यायवाची में विलोम शब्द भी पूछे और अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। अब हमें गद्यांश को पढ़ने के लिए बस इतनी चीजों को ही पढ़ना है,
इतना चीज अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो गद्यांश में से 9 के 9 सही कर लेते हैं। अगर इतना नहीं पढ़ते तो भी गद्यांश हम कितना सही करेंगे, 7 सही करेंगे। और हम बताएंगे 7 कैसे, क्योंकि यहाँ से मान लो 2 से 3 क्वेश्चन ही गद्यांश पूछे जाते हैं, अधिकतम 1, अधिकतम 3, न्यूनतम 1 या 0, मैंने 1 से 3 के बीच में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो फिर रेयर कैसे पूछे जाते हैं। अच्छा, और संधि भी आती है, लेकिन संधि पद्यांश आती है, संधि रस छंद दोहा ये चीजें उसमें सीधा पलट किसमें आ जाती है, दोहा में, सॉरी पद्यांश में। इसके अलावा 3 चीजें और बढ़ेंगी तो गद्यांश पद्यांश मिलाकर हो जाएगा, जो आपका टोटल 15 नंबर है। और ये पूरा सिलेबस, ये पूरी चीजें मात्र 3 दिन का सिलेबस है, 1 दिन समास है, तद्भव समझाने वाला, पर्यायवाची समास लिखवाना है, संज्ञा संज्ञा विशेषण विशेष ये पढ़ाने वाली चीजें हैं, विराम चिन्ह पढ़ाना है, विलोम रट्टा मारना है, शब्दों के एक शब्द रट्टा मारना है, ये सारी चीजें रट्टा मारनी है। लेकिन विलोम और अनेक शब्दों का एक शब्द, यह जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो ही आपको मिल जाएगा। अब पैसेज को सॉल्व करते समय हम इस बात को देखेंगे कि जो भी पैसेज दिया गया है उसे सर्वदा सत्य माना जाएगा। गद्यांश का एक मतलब ये होता है कि जो भी आपको पैसेज दिया गया है उसे क्या मानेंगे, हम सही मानकर ही पैसेज को सॉल्व करेंगे। जैसे उसमें दे दिया गया, जिसे कह दिया रामगणित में फेल हो गया, हम मानेंगे रामगणित में फेल हो गया, ये नहीं मानेंगे रामगणित में पास है। तो जो दिया गया गद्यांश उसे हम सही मानकर पढ़ते हैं। दूसरी बात, जो दिया गया गद्यांश है, जो उसका उत्तर होता है, हम उससे दिए गए गद्यांश में सही सॉल्व करते हैं, हम गद्यांश के बाहर नहीं जाते। मतलब जो हमें उत्तर देना है वो गद्यांश के इर्द गिर्द देते हैं, हम गद्यांश से बाहर नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है इसका उत्तर आपको दूसरा बताओ, आप वह दे दें, उसका जवाब आप जब भी विकल्प का चयन करेंगे हमें यह देखना है कि वह गद्यांश में है या नहीं। जो अगर गद्यांश में है तभी हम उसका उत्तर देंगे, अन्यथा अन्य विकल्प का चयन करेंगे। लेकिन जब तद्भव या तत्सम की बात देखा, निम्नलिखित तद्भव या तत्सम क्या होगा, तब हो सकता है गद्यांश के बाहर जाए, लेकिन जो शब्द होता है वह गद्यांश में होगा। कहते निम्नलिखित में से कौन सा इस गद्यांश के अंदर तद्भव या तत्सम में 4 देंगे, 4 में इसको एक, तो हमें जिस प्रश्न का भी उत्तर देना है वह हमें पहले तो गद्यांश में ही खोजने हैं। लेकिन अगर व्याकरणिक रूप से पूछता है तब हो सकता है आप स्वाभियोग का प्रयोग करें, अन्यथा आपको इसमें से खोजना है, पूरा पूरा गद्यांश के पैसे से ही खोजना है। और इस पैसे से आपके 9 के 9 पूरे फिक्स होते हैं, बस आपको 4 से 5 दिन प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के बाद आप इतने अंक अर्जित कर लेंगे। और व्याकरण बस इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें इसलिए पढ़नी है, कभी कभी रेयर केसेज में इनको पूछा गया है, ऐसे तो अमूमन आपको पैसे सही प्रश्न देते हैं, और जब पैसे आ जाता है सामने आपको यह लगता है कि इस बार सीटेट पास हो जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों में पैसे जाते हैं, दोनों में। और यह पैसेज के बाद और जिसकी शिक्षा विधि होती है, इतनी शिक्षण विधि आप लोग पढ़ लेंगे, गणित शिक्षण विधि, पर्यावरण शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधि, संस्कृत शिक्षण विधि और बाल्मीकि शिक्षण विधि, 5-5 शिक्षण विधि पढ़ने के बाद जब हिंदी की बारी आती है तो बहुत सारी चीजें ऐसे जो प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करने के बाद आसानी से लगा लेंगे। तो फिर ये गद्यांश तक कल हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश, उसके बाद फिर एक एक गद्यांश और पद्यांश को प्रोजेक्टर के बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे, और पूरे गद्यांश को निचोड़ निकालेंगे, गद्यांश कैसे लेगा उसकी नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि आपको लिखना कम समझना ज्यादा है। और सीटेट के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कितना बेहतर आप समझ सकते हैं, पढ़ना रट्टा मारना इसमें यूपीटेट, यूपीटेट में सभी चीज को रट्टा मारना है पढ़ना, लेकिन यहाँ केवल केवल आपको समझना है कि कौन सा निम्नलिखित में समास हो सकता है। इसलिए आप लोग को सीटेट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है यूपीटेट के भांति, हाँ, लेकिन सीटेट में माइंड को हमेशा साफ रखना है, जितना साफ रखेंगे उतना बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे। फिर आज के लिए इतना ही, तो आप लोग के लिए भी यदि आप ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, हाँ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे बुर्गेश्वर सर्च करिएगा, दुर्गेश बिना स्पेस दिए दुर्गेश्वर सर्च करेंगे, ईलर्निंग पे दुर्गेश आएगा, और फिर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, और फेसबुक पेज पे भी ईलर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़ सकते हैं आप। और तो ऑनलाइन क्लासेस चालू चुकी हैं, और हिंदी के जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा वीडियोज नहीं प्राप्त हो पाएंगी, हाँ इसकी जो प्रैक्टिस करवानी है उसकी सभी वीडियोज हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और पैसेज की, पैसेज दोनों का अध्याय पद्यास और इसकी शिक्षा शास्त्र है वो आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरी तरह से, उसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए इसकी भी नोट्स मिलेगी, लेकिन केवल केवल प्रैक्टिस पे, इसकी नोट आपको प्रैक्टिस में ही मिलेगी, ठीक। तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे तो।